अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो मेरे हाथ में है नेल पॉलिश और वही वाली मैंने लगाई भी हुई है। तो जैसे कि टाइटल से पता चल ही गया होगा आपको कि ये थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स जो मैंने थोड़ी सी बाय की है रिसेंटली, उसके बारे में ये व्लॉग है। आपको छोटी सी थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने बाय की। मैं इतनी ज़्यादा मेकअप जमा करके रखने की शौकीन नहीं हूँ, और जो कुछ भी है वो थोड़ा पुराना ही है क्योंकि वो इतनी यूज़ नहीं करती मैं रेगुलर बेसिस पे। व्यूअर्स, कभी कभी दिल करता है तो इतना नहीं। और नेल पॉलिश भी आपने नोट किया होगा कि मैं बहुत कम होती है मेरे हाथों पे, लेकिन कभी कभी दिल करता है तो लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छे लगते हैं कलरफुल नेल्स सबको ही। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस शॉप से क्या छोटे छोटे से चीज़ें लेकर आई हूँ कॉस्मेटिक्स की, जो मैंने पहले भी कभी ट्राई नहीं की। तो किसी ने की हो तो मुझे उसके बारे में बताइएगा भी आप, क्योंकि मैं तो नॉर्मल ही लिपस्टिक्स वगैरह यूज़ करती हूँ, नॉर्मल जो ऐसा जितनी वैरायटी का मुझे नहीं अंदाज़ा है। तो चलिए टाइम ना ज़ाया करते हुए आपको दिखाती हूँ, और कहीं कैमरा सेट कर लेती हूँ। उससे पहले मैं आपको अपने एक शूज़ दिखाना पसंद करूँगी जो कि मैंने मार्क्स आउटलेट से बाय किए हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे थे, सैंडल्स समर के लिए हैं। तो वो देखिए आपके कैसे लगते हैं आपको, पहले वो देखिए फिर मैं आपको मेकअप की चीज़ें थोड़ी सी दिखाती हूँ। ये हैं जनाब वो सैंडल्स जो कि मैंने पहने हुए हैं, जो कि मैं लेकर आई हूँ, और स्टिकर्स भी अभी लगे ही हुए हैं क्योंकि मैंने अभी निकाले हैं बैग में से। तो आपको सिर्फ पहन के दिखा रही हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल हैं ये। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ इसकी प्राइस। तो ये था व्यूअर्स 25 पाउंड का सैंडल की एक पेयर, जो कि मुझे 15 पाउंड में मिली है। मार्क्स की आउटलेट बहुत अच्छी है कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, हाउस होल्ड चीज़ों के लिए। तो मुझे तो बहुत रीज़नेबल लगी प्राइस, तो मैंने ले ली। और बड़ी कंफर्टेबल सैंडल है, घर में पहने चाहे बाहर पहने, गर्मियों के दिनों में बहुत अच्छी है। तो रिडक्शंस अच्छी मिल जाती है वहाँ पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उसका एक अलग से जो क्लोथ्स मैंने लिए हैं उसका अलग से मैं आपको हॉल दूंगी, तो उसका वेट कीजिएगा मेरे ब्लॉग का। तो ये व्यूअर्स देख लीजिए, मैं आपको प्रूफ भी दे रही हूँ कि ये वाकई 15 पाउंड का मुझे मिला है। और ये आउटलेट्स जो होते हैं ब्रांड्स के, जैसे मार्क्स हो गया या नेक्स्ट हो गया या और भी ऐसे वेल नोन ब्रांड्स हैं, तो उनमें आपको बहुत हद तक बड़ी अच्छी प्राइसेस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर किसी के रेंज में हो आसपास तो ज़रूर इन शॉप्स पे, आई मीन आउटलेट्स में, सॉरी मेरे से जूता गिर गया है नीचे, इन आउटलेट्स में जाना चाहिए और जाके ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि पूरी प्राइस में तो ये वाकई बहुत महंगी होती हैं चीज़ें, और नहीं लेने को दिल करता मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो फिर आप भी अगर आपके आसपास हैं आउटलेट्स तो ज़रूर उनको विज़िट कीजिएगा, करते ही होंगे आप लोग। तो चलिए फिर अब आपको लेके चलती हूँ मेकअप की तरफ। तो जी व्यूअर्स, इस बैग में है वो मेरा सामान मेकअप का जो मैं लेकर आई हूँ, और ये ब्यूटी आउटलेट से ही लिया है मैंने। तो हम ऐसे शॉपिंग सेंटर में गए थे जहाँ के आउटलेट्स ज़्यादा थे, गैप का आउटलेट था और डिफरेंट चीज़ों के। तो चलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करती हूँ आपको दिखाना टाइम ज़ाया ना करते हुए। तो ये आई पैलेट, एक आई शेडो पैलेट मैंने लिया है, और अभी तक मैंने भी इसे ओपन नहीं किया व्यूअर्स। तो चलिए आपके सामने ही इसको खोल लेते हैं। इसमें ये शेड्स हैं, आप देख लीजिए। तो रेवोल्यूशन का ये है, और ये एक सारे ही कलर्स कंसीलर, एक्चुअली ये मीडियम टू डार्क पैलेट है, मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील पैलेट है ये, सॉरी ये आई शेडो पैलेट नहीं है, कंसील पैलेट है। तो जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिया है व्यूअर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ये सब चीज़ें फाउंडेशन वगैरह कंसीलर्स वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि प्रॉपर मेकअप करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं और करनी भी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है इंसान अच्छा सा जिसने मेकअप किया हुआ हो, तो वाकई वो काफ़ी इन्हांस हो जाती है आपकी ब्यूटी। तो ये है वो शेड सारे कंसील पैलेट के, ये देखिए। चलिए इसको रखते हैं साइड पे, अब निकालती हूँ मैं दूसरी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये जो टॉप मैंने पहना हुआ है व्यूअर्स, ये भी मैंने मार्क्स स्पेंसर मार्क्स के ही आउटलेट से लिया है, और मुझे इसके बहुत अच्छा लगा इसका कलर, इसकी नेक लाइन बहुत अच्छे स्टाइल में बनी हुई है। तो
ये है एक नेल पॉलिश का शेड जो मैंने लिया, तो ये जो मैंने लगाई हुई है ये वो नहीं है, और मुझे कोई अच्छी तरह से लगानी नहीं आती नेल पॉलिश व्यूअर्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन खैर मैंने जो भी ट्राई की है आई थिंक ठीक ही कर ली है। और ये वाला एक शेड है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। एक है ये वाला शेड लाइट ब्लू में, ब्लू के कलर्स मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं आजकल, तो मैंने सोचा कि ये ले लिए जाए। और आपको पता है हस्बैंड साथ थे तो उन्होंने कहा कि आप ले लें जो आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें दिल खोल के, तो फिर चले मैंने तकरीबन कभी कभी ये शौक अपने पूरे करती हूँ तो मैंने। और ये एक मिनी नेल पॉलिश है, आप देखिए कितनी क्यूट सी, ये पाउंड की थी, और अगर ज़्यादा नहीं आपको लगाने हैं कुछ दफ़ा में लगा के आपको फ़ारग करनी है तो ये छोटा साइज़ बहुत आई थिंक क्यूट सा और अच्छा लगता है। इन्हें मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आप इसे देख पाएँ। तो अब देखिए मैंने एक लिया है व्यूअर्स, बॉडी स्प्रे ही कह लें, बड़ी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है, ये 1 पाउंड का मिला था और मैंने ट्राई किया आज, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी। फ्रेश मस्क, वाइट मस्क के नाम से ये है और ये काफ़ी अच्छा था। इसके बाद आते हैं ये एक आई पैलेट के तरफ, जो कि मैंने खुद से देख के बड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और कुछ शेड्स होते हैं जो आपको बहुत पसंद होते होंगे, सभी एग्री करते हैं कि मुझ में कि जो सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं आपके आई शेड्स लगाते वक्त। तो ये देखिए मैंने सिर्फ इन दो शेड्स की वजह से ये सारा बाय किया है, एक ये और एक ये डार्क ब्राउन वाला, और ये भी सारे मुझे पसंद हैं, लेकिन ये मेरे पास शायद पहले भी हैं, लेकिन ये दो शेड इतने नहीं थे मेरे पास, तो मैंने आज यूज़ भी किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी इसकी कवरेज आती है, अच्छी अच्छी कवरेज आती है और बड़ा अच्छा ब्लेंड भी होते हैं ये वाले व्यूअर्स, तो ये भी अच्छे लगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो उसके बाद आते हैं एक और नेल पॉलिश की तरफ, इस तरह की मैंने कभी यूज़ नहीं की है व्यूअर्स, लेकिन चले मैंने कहा अगर ले रही हूँ बाकी तो वाई नॉट ये ग्लिटरी वाली भी यूज़ करके देखी जाए, तो मैं ये जब मैं लगाऊंगी तो आपको ऑब्वियसली शायद नज़र भी आ जाएंगी मेरे हाथों पे लगी हुई जब भी इनको यूज़ करूँगी मैं। तो ये कुछ मैंने अप्लाई करने के लिए लिए थे आई शेडो अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इनकी कमी ही रहती है, जितने मर्ज़ी आप ले लें फिर यूज़ करते हैं आप इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर इनमें से मैंने एक यूज़ कर भी लिया है आज जो मैंने ये आई पैलेट्स ट्राई किए थे उनके लिए। तो बाकी आते हैं और शेड्स की तरफ, तो ये एक ब्राउन शेड है बहुत प्यारा सा, ब्राउन कह लें आप, काफ़ी अच्छा ब्राउन का ये शेड है जो मैंने लिया, और ये लाइट वेरी लाइट पिंक है, तो इसका भी आई डोंट नो कि कैसा आएगा यूज़ करके, लेकिन मैं यूज़ करूँगी तो फिर आपको उसकी फीडबैक दूँगी और पता चल जाएगा कि क्या कैसा आया ये। तो ये एक मैक्स फैक्टर का लिप कलर लिया है व्यूअर्स, ये देखिए, और क्योंकि मैंने अभी इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको नहीं बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन होपफुली ये सब अच्छे ही होंगे जब मैं इनको ट्राई करूँगी तो आपको फीडबैक उस वक्त दूँगी। तो ये इस वक्त मैं आपको इसका यूँ ऐसे कलर दिखा सकती हूँ थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा के कि क्या शेड है इसका लिप, ऐसा लाइट सा इसका ग्लॉसी लिप ग्लॉस है ये, और ये लिपस्टिक्स पे लगा हुआ बहुत प्यारा लगेगा। और ये आ गए हैं अभी लिप पेंट, जो कि मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किए व्यूअर्स, और फर्स्ट टाइम मैं इनको ट्राई करूँगी तो देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं, तो मैं आपको ज़रूर फीडबैक दूंगी इनका ट्राई करने के बाद कि ये कैसे लगे, क्योंकि मैं नॉर्मल लिपस्टिक्स ही लेती हूँ नॉर्मली, मैंने ये कभी भी नहीं यूज़ नहीं किए लिप पेंट जो होते हैं, तो अगर आप में से कोई यूज़ करता है तो बताइएगा कि कैसे होते हैं। एक ये शेड है लिप पेंट का और ये वाला शेड, बाकी हैं ये भी एक लिप पेंट का शेड है और ये लिप पेंट ये वाला है शेड, बाकी
दो चीज़ें और रह गई हैं जिसमें कि एक ये लिपस्टिक ली थी मैंने, इसका शेड अगर मैं आपको ये पैक है अभी व्यूअर्स, तब ये नहीं खुल रही इस वक्त मुझसे, लेकिन ये एक लाइट पिंक सा ही कलर है जो कि अच्छा लगा था मुझे। और ये है एक आई मेकअप मेबिल का, मेबिलाइन का, मैं पता नहीं सही प्रोनाउंस भी कर रही हूँ कि नहीं, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेकअप के बारे में सच। ये भी बहुत अच्छा शेड है। बस ये थी मेरी छोटी सी मेकअप की नेल पॉलिशेस की शॉपिंग भी, और उसके बताएगा आपको कैसा लगा ये मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को व्यूअर्स, और शेयर कीजिए विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लग रहे होंगे मेरे व्लॉग्स। जिन्होंने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, और जो देखते हैं मेरे व्लॉग्स को, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करते जाइए, जाते जाते लाइक का बटन भी प्रेस करते जाइए। और फिर मिलेंगे नए व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।